आज 1 अक्टूबर 2022 हम मारवाड़ मुंडवा रेलवे स्टेशन पर हैं और आज भारतीय रेल के इतिहास में एक बड़ी अजीबोगरीब घटना घटी। मैं मोहम्मद फैज खान और डॉक्टर इमरान चौधरी साहब जयपुर जाने के लिए यहां पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे इस ट्रैक पर कोई और ट्रेन खड़ी हुई थी और हमारी जो ट्रेन है लीलन एक्सप्रेस 12467 इस ट्रैक पर एक ट्रेन खड़ी हुई थी और जो सेंटर का ट्रैक है आप देख रहे हैं, एक तो उधर ट्रैक है पार करके और एक जो सेंटर का ट्रैक है वो लीलन एक्सप्रेस इस सेंटर के ट्रैक पर आगे खड़ी हुई, तो इसमें एक ट्रेन खड़ी है तो वो ट्रेन हमको दिखेगी नहीं और वहां पर खड़ी करना भी गैर कानूनी है क्योंकि रेल के नियम के हिसाब से हम ट्रैक पे चलकर किसी ट्रेन को नहीं पकड़ सकते, जबकि मारवाड़ मुंडवा 12467 लीलन एक्सप्रेस का स्टॉपेज भी है। स्टॉपेज होने के बाद भी ये ट्रेन जो है सेंट्रल ट्रैक में रुकी, जो जनरली मालगाड़ी का ट्रैक होता है जहाँ से ट्रेन रुकती नहीं है, और हम लोग उसे देख ही नहीं पाए और देखने का सवाल भी नहीं है क्योंकि वो तो प्लेटफॉर्म में खड़ी ही नहीं हुई है और इसे पार करना भी गैर का, और ट्रेन वहीं से चली गई। हम लोग यहाँ पर अभी खड़े हुए हैं, मैं भारत सरकार के रेल मंत्री महोदय माननीय अश्विनी वैष्णव जी और रेल मिनिस्ट्री के जो अधिकारी हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि हमारे लिए कुछ व्यवस्था करवाएं। अभी हम मारवाड़ मुंडवा रेलवे स्टेशन पर अभी भी खड़े हुए हैं 1 अक्टूबर 2022 को